सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। IPL 2018 में सुपर संडे के पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस और दिल्ली डेयरडेविल्स आमने सामने थी। करो या मरो के इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस को किसी भी हाल में जीत जरूरी थी, लेकिन टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो चुकी दिल्ली ने MI का खेल बिगाड़ते हुए उसे न सिर्फ 11 रनों से मात दी बल्कि IPL 2018 से बाहर कर दिया। अक्सर चीयर लीडर्स के बारे में कहा जाता है कि बाउंड्री पर खड़ी इन सुंदरियों को जीत हार से कोई मतलब नहीं होता, उनका एकमात्र मकसद मैदान के भीतर अपनी टीम के खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करना होता है। लेकिन दिल्ली और मुंबई के बीच हुए इस 55वें मुकाबले में एक चीयर लीडर का अलग ही अंदाज देखने को मिला। दरअसल दिल्ली द्वारा मिले 175 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की सारी उम्मीदें एक वक्त हार्दिक पांड्या पर टिकी हुई थी। बेहद कम स्कोर पर टीम के सारे अहम विकेट गिरते जा रहे थे। इसी दौरान 27 रन बनाकर हार्दिक पांड्या भी एक गैर जिम्मेदार शॉट खेलकर चलते बने। हार्दिक पांड्या के आउट होते ही पूरे फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। हर कोई मुंबई को लगे इस गहरे झटके से नाखुश था। इसी दौरान एक चीयर लीडर भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई। पांड्या के आउट होते ही मुंबई इंडियंस की इस चीयर लीडर पर जैसे ही कैमरा फोकस हुआ वो पूरी दुनिया के सामने निराश और गुस्से के भाव से गाली देती हुई नजर आई। अगर आप IPL के फैन हैं और IPL 2018 की टीम्स और उनसे जुड़ी हर ताज़ा और मजेदार खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको IPL 2018 से जुड़ी हर ताज़ा और मजेदार खबर सबसे पहले यहीं मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।